अरे देखो तो सही, उसके गेट कैसे काम कर रहे हैं? लगता है जैसे प्राण धंधों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यह प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा? क्या सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पहिया नरक होगी, अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुँचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुँचा दे? ऐसे करो तुम जाओ बतिया। तुम जाओ बतिया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में। आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है लड़ाई कर रहा है क्या? लड़ने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सगा सुदामा, मेरी बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा मेरा मित्र सुदामा। अरे बीच में मत आया। अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया।